स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में गंदिन प्लान के बारे में डिस्कस किया था, मेरे इस वीडियो में हम पीपल्स प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि इंडियन नेशनल प्लानिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके जो प्रावधान या अमेंडमेंट की गई थी इस प्लान की, उसको हम आज समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पीपल प्लान का जो प्रारूप था वो M.N. रॉय के द्वारा लिखा गया था। इस प्लान का जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि 10 साल के अंदर अंदर भारत के जितने भी लोग हैं उनको बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना था। बेसिक फैसिलिटीज मतलब जो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, सर्वप्रथम उसको जो है वो सेटिस्फाई करवाना था। ये जो उद्देश्य था ये तभी पूरा किया जा सकता था जब जो है वो प्रोडक्शन का एक्सपेंड हो। जो भी हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हम एक्सपेंशन करें, और ये इंश्योर करें कि जो कंज्यूमर गुड जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उनका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो हर एक व्यक्ति के बीच में। और इसीलिए ही इस जो ये प्लान है इस प्लान ने प्रिस्क्राइब किया था कि जो प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़े इकोनॉमी के हर एक स्फीयर में। पर जो इस प्लान का जो मेन उद्देश्य था और मेन एम्फेसिस था वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए था। और एग्रीकल्चर जो ऑथर हैं इस प्लान के, वो खुद ही बिलीव करते थे कि जो परचेजिंग पावर है लोगों की वो सिर्फ एग्रीकल्चर के ही द्वारा बढ़ाई जा सकती है। और एग्रीकल्चर जो था वो हमारे देश का उस समय पे मुख्य आधार था जीवन जीने का। तो इसलिए ही ऑथर ने ये माना कि जो एग्रीकल्चर है वो परचेजिंग पावर को बढ़ाने का जो है वो एकमात्र साधन है। उसके पश्चात जो एग्रीकल्चर थी उसको बढ़ाने के लिए इसमें दो तरह के जो सुझाव थे इस प्लान में वो दिए गए थे। फर्स्ट इसका सुझाव कि एक्सटेंशन ऑफ द एरिया अंडर कल्टीवेशन, एंड सेकंड है इसमें कि इंटेंसिफिकेशन ऑफ कल्टीवेशन इन द एरिया विच इज ऑलरेडी अंडर कल्टीवेशन। इसका तात्पर्य है कि जो कल्टीवेशन के अंदर जितना भी एरिया है उसको बढ़ाया जाए, और दूसरा है कि इसमें जितना भी एरिया है वो एग्रीकल्चर के लिए या कल्टीवेशन के लिए ऑलरेडी है उसको इंटेंसिफाई किया जाए या उसको उसकी गहनता को बढ़ाया जाए। ये तो इस प्लान का पॉइंट ऑफ व्यू हो गया एग्रीकल्चर को लेके। अब जो इस प्लान का जो इंडस्ट्रियल प्रायोरिटीज थी वो थी कि जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कंज्यूमर गुड को मैन्युफैक्चर करना। कंज्यूमर गुड को मैन्युफैक्चर करने का इसमें सुझाव इसलिए दिया गया क्योंकि जो है वो जो इकोनॉमी के जितने भी लोग हैं वो इक्वली उनके बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके ये कंज्यूमर गुड्स। इस प्लान में कंज्यूमर गुड का जो उत्पादन है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण बताया गया है क्योंकि जो उस समय हमारी इकोनॉमी में लोग रहते थे उनकी जो डिमांड्स थी बहुत ज़्यादा मात्रा में जो उनकी डिमांड्स थी वो अनसेटिस्फाइड रह जाती थी। इसलिए इनकी डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए इस प्लान ने ये प्रावधान किया था कि जो कंज्यूमर गुड की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो ताकि जो वहाँ के लोग हैं उनकी जो पूरी की पूरी जो बेसिक डिमांड होती हैं उनको फुलफिल किया जा सके। पीपल प्लान में रेलवे रोड्स और शिपिंग की जो डेवलपमेंट है उसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका बताई है। इनका मानना है प्लान इकोनॉमी में कि जो रेलवेज रोड और शिपिंग है वो एक डेवलपमेंट इकोनॉमी का एक बहुत ही अभिन्न भाग है। तो इसकी डेवलपमेंट के लिए जो है इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी। सो इनकी रिकमेंडेशन में ये भी था कि जो डेवलपमेंट है आपकी उसका डेवलपमेंट जो थी वो कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन में होनी चाहिए ताकि जो गुड्स हैं जो कि मैन्युफैक्चर कंज्यूमर गुड हैं उनको उनकी मूवमेंट जो है वो इजीली हो सके एक स्थान से दूसरे स्थान तक।
तो यही थी इस प्लान की जो रिकमेंडेशंस मेन थी। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल।